लखनऊ से मिल रही है, जहां पर लखनऊ जेल पहुंचे हैं अपर मुख्य सचिव गृह। जेल का निरीक्षण कर रहे हैं अवनीश अवस्थी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह लखनऊ जेल पहुंचे हैं, जेल का निरीक्षण कर रहे हैं अवनीश अवस्थी। वीरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, जेल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? जी, जब से बने हैं अवनीश अवस्थी, वो लगातार कहीं ना कहीं औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई जिलों में उन्होंने निरीक्षण किया है, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, कभी थानों पर पहुंच जाते हैं, कभी कार्यालयों पर जाते हैं, कभी साफ सफाई की व्यवस्था देखते हैं, कभी जेलों की व्यवस्था देखते हैं। तो ये उनकी सक्रियता है और सरकार की सक्रियता, और सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक है अवनीश अवस्थी। और जेल जो उनके अंतर्गत आता है, वो कई ऐसे जेल हैं जिसका निरीक्षण कर चुके हैं, वो आज लखनऊ जेल पहुंचे हैं। और लखनऊ जेल में भी जो खबरें आती हैं कि जेल के अंदर तमाम तरह की गतिविधियां हो रही हैं, और बहुत सारे जेल ऐसे बदनाम हो चुके हैं, चाहे वो देवरिया का जेल हो, चाहे वो फतेहगढ़ का जेल हो, तमाम ऐसे जेल की गतिविधियां सामने आई थी। जब उनके वीडियो बाहर आए थे, जो गतिविधियां अंदर की जो कैदी हैं, उनके पास फोन पहुंचता है, उनके पास असलहे पहुंचते हैं, तमाम तरह की बदनाम होकर जेल। जब से अवनीश अवस्थी गृह बनाए गए हैं अपर मुख्य सचिव जी, उसके बाद से उन गतिविधियों पर लगाम लगी है, क्योंकि उनकी सक्रियता है। मैं एक वाक्य आपको बताऊं, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनका कहना था कि कहीं अवनीश अवस्थी का औचक निरीक्षण न किया उनके जिले में। जब मेरी उनसे व्यक्तिगत बात हुई थी, मुलाकात होने मैं अपना दिया नहीं छोड़ता, अवनीश अवस्थी कभी भी आ सकते हैं। तो अवनीश अवस्थी का इस रूप में सक्रिय होना निश्चित रूप में सरकार के लिए ठीक है, प्रशासन के लिए ठीक है, और जिला जेल लखनऊ में जो निरीक्षण कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई ऐसी चीजें ना हो, वो उसे रोकथाम की कोशिश है, एक तरह से सरकार की तरफ से कोशिश है और अपर मुख्य सचिव के अवनीश अवस्थी की तरफ से कोशिश है। और ये एक मैसेजिंग है, इससे मैसेजिंग की वजह से जो इलीगल गतिविधियां जेलों के अंदर कर रहे थे, तमाम वहाँ के जेल से संबंधित अधिकारियों की शिकायतें शासन में पहुंची थी, वो अब थम गई है। और थमने का कारण क्या है, ये मैसेजिंग है कि कभी भी अपर मुख्य सचिव गृह और आला अधिकारी डीजी जेल औचक निरीक्षण कर सकते हैं। डीजी जेल ने भी औचक निरीक्षण कुछ दिन पहले किया था लखनऊ जेल का। तो ये इलीगल गतिविधियों पर रोकथाम और मैसेजिंग के लिए औचक निरीक्षण किया जाता है। आप देखा कुछ दिन पहले मुख्य सचिव आर के तिवारी ने भी गाजियाबाद में साफ सफाई और नगर निगम का दौरा किया और वहां अधिकारियों को सस्पेंड किया, झाड़ लगाई। मुख्यमंत्री की जो सक्रियता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अधिकारियों के इस कदम को हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल वीरेश, और लखनऊ जेल के साथ साथ उन तमाम जेलों का भी निरीक्षण होना चाहिए, कड़ाई से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जहां से भी शिकायतें मिलती हैं इस तरीके की लापरवाही भरी। बहुत शुक्रिया वीरेश आपका इस अहम जानकारी के लिए। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।